सिंगरौली जिले की पुलिस हाई अलर्ट पर, अभी कोई चेतावनी नहीं। शांति भंग करने पर होगी कार्यवाही। राम मंदिर व बाबरी मस्जिद की जमीनी विवाद को लेकर आगामी दिनों में उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला आना है। इसे देखते हुए सिंगरौली जिले का प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पुलिस द्वारा जगह जगह जनवाद आयोजित कर लोगों को समायोजित दी जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार शाम मोरवा थाने में जनसंवाद आयोजित कर पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे और औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां के लोगों को आगाह किया कि यदि क्षेत्र का सौहार्द बिगड़ता है तो इसके आने वाले पीढ़ी भी प्रभावित होगी। अतः लोगों को प्रशासन का सहयोग करते हुए असामाजिक तत्वों की जानकारी देने को कहा है। साथ ही किसी प्रकार का विवादित पोस्ट शेयर करने से बचने की सलाह दी है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप सिंधे व मोरवा नगर निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह साथ क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जनसंवाद कार्यक्रम के बाद भारी लाव लश्कर के साथ पुलिस बल ने मोरवा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस का यह मुख्य बाजार मस्जिद तिराहा LIG रोड होता हुआ थाना परिषद में समाप्त हुआ। 144 का आदेश भी DM साहब की ओर से जारी हो गया है, ये मैं सूचित करना चाह रहा हूँ। और कुछ ही समय बाद सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे पुलिस मीडिया ग्रुप पे और भी जो पत्रकार साथियों के ग्रुप है उन सब ग्रुप पे आ जाएगा। मेरा ये ऐसा मानना है कि जो हमारा धारा 144 में जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट का सभी लोग अक्षरशः पालन करेंगे। उसका पालन नहीं करने वालों के विरोध उसी प्रकार का कायमी होगा जिस प्रकार का होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग त्यौहार न मनाए या डर भय के रहे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग अपना त्यौहार पूर्णतः हर्षोल्लास के साथ में एंजॉय के साथ में मनाइए, मगर हमारा शांति व्यवस्था कायम रहे इस बात का हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। डिसीजन माननीय न्यायालय का जो भी हो, मगर हम लोगों को अपना शहर का शांति व्यवस्था बनाए रखना है। अगर किसी को कोई संशय या कुछ ऐसा लगता है तो वो हम लोगों को जरूर सूचित करे। आप जहां कॉल करेंगे, जहां बताएंगे, तत्काल हम या हमारा कोई प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा। यदि ऐसा लगता है कि हम लोगों को आना आवश्यक है तो हम तत्काल आएंगे, मगर किसी भी हालत में किसी भी परिस्थितियों में हम अपने शहर का जिले का कानून व्यवस्था भंग होने नहीं देंगे। जो व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये मेरा सलाह भी है, वार्निंग भी है, इसको फाइनल मान लिया जाए, क्योंकि हम वही काम करेंगे जो देश का एकता अखंडता को अक्षुण बनाए रखने के लिए हमको CRPC पावर करती है। इसके अलावा मेरा कोई बात नहीं है। आप सब लोगों ने मेरे बात समझ लिया होगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा पुलिस फोर्स दिन रात मेहनत